चित्र 16 प्रभु यीशु हर दुख उठैलक। प्रभु यीशु हर ढेरे अद्भुत काम करलक और ढेरे आदमी मने उकर पाछू होइ गेलै। फिर भी जे खने प्रभु यीशु हर ओ मन से कहलक कि तुहिन सब कोई पापी हा, तब जे दुष्ट रहें ओ मने ओकर से घृणा करत रहें। उ आदमी मन कर सरदार इस गाह करे वाला रहें। उ मने ई कहियो स्वीकार नी करलें कि ई ईश्वर परमेश्वर कर बेटा हवे। उ मने उके पकड़वाए देलें, ओकर विरुद्ध में झूठा कहलें और मार लें। उ मने उकर कपार में कांटा कर मुकुट राखलें और क्रूस में चढ़ैलें। लेकिन प्रभु यीशु हर इकर कोई विरोध नी करलक, काहे कि उ जानत रहे कि इसनेहे होवी। उकर दुख उठाए कर पाछू परमेश्वर कर योजना रहे। चित्र 17 यीशु क्रूस में चढ़ले ही। इकर बाद प्रभु यीशु के क्रूस में चढ़ाल गेलक और तब तक उके क्रूस में चढ़ाल रखलें जब तक कि उ नी मर गेलक। ओकर साथे दो गो अपराधी मन के हों, उहे लखे मृत्यु कर दंड देवल गेलक। ऐसन मृत्यु कर दंड उ समय कर एगो परंपरा रहे। लेकिन प्रभु यीशु हरे कोईयो अपराध नी कर ले रहे। उ दुनिया कर पाप कर दाम के चुकायला बलिदान होलक। चित्र 18 फिर से जी उठना। प्रभु यीशु कर दुश्मन मने सोच लें कि उ मने ओके नाश कर देले हैं। लेकिन ऐसन संभव नी रहे। प्रभु यीशु कर क्रूस में मरे के बाद ओकर साथी मने ओकर मरल देह के एगो गुफा में राख लें और गुफा कर दूरा में एगो बड़खा पकल राख देलें। 2 दिन बीत गेलक, 3रा दिन प्रभु फिर से जी उठलक। जब कुछ सियानी मने कबर में अइलें तो उ मने देखलें कि पखल लुढ़कल ही और यीशु वहाँ नखे। 2 गो स्वर्गदूत उ मन के ये संदेश देवेला बैठले रहे कि उ यहाँ नखे लेकिन जिंदा होले ही। जे खने प्रभु यीशु मसीह मरे में से मर के जीव उठलक तो उ हर ई साफ कर देलक कि उ परमेश्वरे हवे। प्रभु यीशु आज हो जिंदा है और उ हमेशा रही। उ शैतान और मृत्यु से हो बड़का शक्तिशाली ही। चित्र 19 थोमा विश्वास करेल। प्रभु यीशु कर जी उठे कर बाद ओकर ढेरे साथी मने ओके देखलें, ओकर से बात करलें और उ मन कर साथे भात खैलें। थोमा जे उकर साथी और चेला में से एगो रहे विश्वास नी करे सकल कि यीशु फिर जिंदा होले ही। उहर कहलक जब तक मैं तोर हाथ कर घाव के छुई के नी देखूं तब तक विश्वास नी करबूं। आखिर में प्रभु यीशु हर बंद घर में आ गेलक और थोमा के दिखलक। थोमा कर संदेह खत्म हो जाए रहे। उ प्रभु यीशु कर गोड़ में गिर के कहलक मोर प्रभु मोर प्रभु। यीशु हर कहलक धन्य उ मन है जे मने मोके निखें देख तबो विश्वास करेना। चित्र 20 स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु कर जीव उठे कर बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु ढेरे लोग मन के दिखाई देलक और उ मने गवाही देलें कि उ जिंदा है। इकर बाद प्रभु यीशु हर अपन बाप ठने जायला तैयार रहे, काहे कि उ जे काम के करेला अइले रहे उ पूरा हो जाए रहे। प्रभु यीशु हर अपन चेला मन से कहला कि तुहिन मन ई शुभ संदेश के सब ठने सब लोग मन के सुनावा, जे लखे कि चेला मन देखले रहें। प्रभु यीशु ई जगत के छोड़ के स्वर्ग बटे चल गेलक। फिर 2 गो स्वर्गदूत आए गेलें और कहलें कि जे लखे प्रभु यीशु हर स्वर्ग बटे जाए ही उहे लखे उ फिर से जगत में आवी। चित्र 21 खाली क्रूस। प्रभु यीशु क्रूस में काहे मरलक।
प्रभु यीशु हमीन पापी मन कर पाप कर दंड से बचाए लागिन क्रूस में मरलक। प्रभु यीशु निष्पाप रहे, पाप नी कर ले रहे, लेकिन ऊ पाप के उठाए लेवेला मरलक जे हमीन के परमेश्वर से अलगे करेल। क्रूस हमीन के याद दिलायल कि प्रभु यीशु परमेश्वर कर बिना पाप करल मेमना रहे जे हमीन लागिन बलिदान होलक। जब हमीन प्रभु यीशु में विश्वास करिल और अपन पाप के त्याग देविल, तब हमर सब पाप क्षमा कर देवल जायल और हमीन परमेश्वर कर सदा काल कर घर कर सदस्य बन जायल। चित्र 22, दुगो डगर। प्रभु यीशु हर सिखैला कि जीवन कर दुगो डगर और दुगो आखरी परिणाम हिक। उ आदमी जे प्रभु यीशु के व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नखे कर ले, उ पाप कर चौड़ा डगर में हिक जे मरना और नरक कर सदा काल कर दंड बटे जायल। ई मनवा कर स्वभाव कर परिणाम हवे। हमीन जन्म और स्वभाव दियो से पापी ही। यहाँ क्षमा शांति और जीवन कर सकरा डगर हीक जे परमेश्वर और स्वर्ग बटे ले चलेल। इकर में जाय लागिन तुहिन के पाप और अपन इच्छा से दूरिया रहेला पड़ेल और पूरा पूरा अपन सब भरोसा प्रभु यीशु में ही राखेला चाही। प्रभु यीशु मसीह हर कहलक, मैं हैं दूरा हवो, अगर कोई मनवा मोर में होई के घुसी तो उके उधार मिली। सकरा डगर में चले वाला मन के पाप कर कोई न्याय नी होवी, काहे कि उ मन कर पाप प्रभु यीशु मसीह कर क्रूस में बहाल लहू से धोवाए गेले ही। अगर तुहिन यीशु कर पाछू आवेला चाहत हा तो तुहिन प्रार्थना में ई लखे परमेश्वर से बात कर सकला, प्रभु मैं मानत हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं विश्वास करत हूँ कि यीशु मसीह मोर पाप लागिन क्रूस में मरलक, मुके क्षमा कर और मोर हृदय के पाप से शुद्ध कर दे, तोय मुके अपन घर कर सदस्य बनाए ले, मैं यीशु मसीह कर जीवन कर डगर कर पाछू में आवेला चाहत हूँ और मरे कर बाद तुहिन संगे स्वर्ग में रह सकूँ, धन्यवाद प्रभु। अगर तुहिन ईमानदारी से ई लखे विश्वास और प्रार्थना करबा तो तुहिन सकरा डगर में घुस जइबा जे शांति और सदा काल कर डगर ही। उ हृदय कर विचार और इच्छा मन के हूँ जानेल।